द मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स द डेलीगेट्स। मैंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की माँ है, लेकिन माँ बड़ी बीमार चल रही है और इस माँ को 9 वर्षों में खास तौर पर इतना बीमार कर दिया गया है कि आप इसको फिट केस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ले सकते हैं। इससे आना ना आना महत्व नहीं रखता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट संस्थाएं कैसा काम कर रही है, विश्वविद्यालय कैसा काम कर रहे हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आप जिसको चाहे उठा के अंदर कर लें, क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा का मसला नहीं है महाशय, आप असुरक्षित हैं, यू आर इनसिक्योर। जब लोग कहते हैं कि बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो यकीन मानिए इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद इतना मजबूत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। अपनी सिक्योरिटी से परेशान, अपने हाव भाव, अपने चलने, उसमें इतने आत्मनिर्भर हैं कि कोई आकर के ये कह दे कि ये चीजें तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रही है अमेरिका में जाकर, मतलब फलाना कोई इसका इतर मन नहीं है, वो चीजें तक पर लगवा सकते हैं। इस दौर का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है, ये ध्यान दे, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आई। और डायसेंट की क्या ताकत होनी चाहिए उसके लिए है। और आप चारों कह रही थी कि डेमोक्रेसी की मां, मैंने एक दिन सदन में कहा था, मैं कहीं इंदौर से लौट रहा था तो पहली बार मैंने एक बड़ा सा बोर्ड देखा, G20 द मदर ऑफ डेमोक्रेसी वेलकम्स द डेलीगेट्स। तो मैंने पार्लियामेंट के अंदर कहा इसलिए केस मुकदमा भी नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ये डेमोक्रेसी की माँ है, लेकिन माँ बड़ी बीमार चल रही है और इस माँ को 9 वर्षों में खास तौर पर इतना बीमार कर दिया गया है कि आप इसको फिट केस ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ले सकते। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, अभी मैं एक दो छोटी छोटी चीजें कहूंगा। शाहरुख जी कह रही थी, फिर प्रभात सर ने बात रखी जजेस को लेकर के, हमारे यहां बड़े खूबसूरत जजेस हैं, बड़े विचारवान, बड़े निष्ठावान, लेकिन अक्सर वो सेमिनार में निष्ठा दिखाते हैं, विचार उनके सेमिनार में दिखते हैं तो लगता है कि काश ये तो बदल के रख देंगे हमारे देश को, लेकिन जब मैं जजमेंट देखता हूं तो वो मोहब्बत मिसिंग लिंक होती है, वो जुबान मिसिंग लिंक होती है, चाहे इससे पहले वाले हो या आज वाले। उमर या उमर के साथियों जितने भी हमारे कोई हो, छपुरा की बात करें, मीरान की बात करें, शर्जील की बात करें, इनका गुनाह क्या। मैं एक 14 तारीख को उमर ने रंजीत गुहा की ऑबिचुअरी लिखी थी 14 मई को, मैं उसके एक अंश को पढ़ना चाहता। The present times are different and far less hopeful. But even in our times of rising authoritarianism and majoritarianism, when power seems to have turned the world upside down and inverted meanings of words and hollowed out languages will do well to critically engage with Guha. This comes from Umar Khalid, sitting in jail, 1,000 days. और मैं इसी दौर में एक और किताब पढ़ रहा हूँ, किताब का नाम सुनकर के सोचिएगा कि मैं प्रेरणा के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मारिया रेसा की है, हाउ टू स्टैंड अप टू अ डिक्टेटर। इसका अपने वाले से कोई खास ताल्लुक नहीं है, बहरा मारिया रेसा की ओर से जो लिखा गया वो देखिए, क्वाइट इन सिंक विद उमर खालिद लैंग्वेज एंड बोथ ऑफ देम डोंट नो ईच अदर एज फार एज आई नो। Democracy is fragile. You have to fight for every bit and every law, every safeguard, every institution, every story. You must know how dangerous it is to suffer even the tiniest cut. That is why I say to us all, we must hold the line. I don't have to repeat that line. All of you standing here, sitting here, are holding the line. And I must also tell you that your tribe is growing. Your tribe is growing. I can smell that coffee of change. I can see that in the air. This is happening. And this is not happening because of us, Prabhat ji, or Ilyas sahab, Gur Meher, or Shahrukh. This is happening because you hold the line that things should be better.
this 100, maybe next year when we meet this time, Umar would be here. Maybe we'll sit for different, some other form. But we will be here. हम यहाँ इसलिए होंगे और मैं जब कह रहा हूँ कि अगले साल तो मेरा इस चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब ये टाइमलाइन में आ रहा है कि चुनाव भी होगा इसी बार, लेकिन मैंने चुनाव सोच करके नहीं कहा था क्योंकि डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन अनलाइक व्हाट माय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थिंक्स। उनके हिसाब से 5 साल तो चुनाव तो टर्की में भी हुआ अभी और जो वन फिर से आए अपने वाले और जो वन भी फिर से आना ना आना महत्व नहीं रखता है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं कैसा काम कर रही है, विश्वविद्यालय कैसा काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं जिनके पास हम पहले जाया करते थे। जैसा हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि लेजिस्लेचर में जब आपको परेशानियां होती है एग्जीक्यूटिव टिरैनिकल होता है तो आप जुडिशियरी की ओर देखते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि जुडिशियरी की ओर भी जिस निगाह से आप पहले देखा करते हैं जुडिशियरी की वो निगाहें आपकी हो उस तरह से आपको नहीं देख रहे। हमारे यहां कहते थे जस्टिस डिलेड, ये जस्टिस डिनाइड। आप सोच के देखिए, उमर रिहा होगा, तमाम वो लोग रिहा होंगे क्योंकि आरोप सिंसियरली किया है यूएपीए के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी। मैं अवतार सिंह पास को स्मरण नहीं करना चाहता कि राष्ट्र की सुरक्षा सबसे बड़ा धोखा हो कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आप जिसको चाहे उठा के अंदर कर लें, क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा का मसला नहीं है महाशय, आप असुरक्षित हैं, यू आर इनसिक्योर। जब लोग कहते हैं कि बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं तो यकीन मानिए इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद इतना मजबूत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। अपनी सिक्योरिटी से परेशान, अपने हाव भाव अपने चलने उसमें इतने आत्मग्रस्त हैं कि कोई आकर के ये कह दे कि ये चीजें तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रही है अमेरिका में जाकर, मतलब फलाना कोई इसका इतर मन नहीं है, वो चीजें तक यूएपी लगवा सकते हैं, कहेंगे चीजें ने वेश बदला है, इसका आशय कुछ और था, ये अमरावती में भी जाकर के वही बात। तो मेरा आशय सिर्फ ये है कि दिक्कतें अभी और आई। अभी आपने देखा होगा कि लॉ कमीशन के थ्रू इन्होंने कहवाया है कि सेडिशन लॉ में और सजा बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। ये किसके लिए है? जो आर्थिक मुकदमे में ना फंसे ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे पॉलिटिशियन जिन पर पैसे का कोई धोखाधड़ी का आरोप ना लगे उनको इसमें धके दो। और बड़ा आसान है, जब रिवाज यह हो जाए कि प्रधानमंत्री इज इक्वल टू राष्ट्र, तब तो साहब आलोचना सुबह शाम होगी, तो आप उसको राष्ट्र की आलोचना कहेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें अभी आएंगी, लेकिन आप ये जान लीजिए, हम सब ये जान लें, मैं अक्सर ये कहता हूं बड़े हल्के में, घर में जब दवाई कोई होती है ना बीच बीच में उसका एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। कई दफा हम एक्सपायरी दवाएं खा लेते हैं गलती से, इस दौर का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है, ये ध्यान दें, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आई, और वैसी विचारधारा जिसका आम इंसान के जिंदगी के सरोकारों से कोई ताल्लुक ना हो, वो मैं समझता हूं वो उस विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। बस एक कोशिश हमें करनी है, हमारे बीच में भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कल देखा कुछ लोग वेल मीनिंग लोग होंगे, उमर के लिए हो रहा है फलाने के लिए क्यों नहीं हो रहा, इसलिए मैंने शुरू नहीं कहा, इट्स अबाउट ऑल पॉलिटिकल बिजनेस, सिर्फ उमर नहीं। उमर के साथ तो मेरी बातचीत भी है, हम मिले हैं कई दफा, उमर की बहन के निकाह पर भी मैं गया था, लेकिन कई लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, लेकिन उनके मसलों से भी हमारा ताल्लुक है, और वो ताल्लुक इसलिए है क्योंकि हमारा ताल्लुक होल्डिंग द लाइन से, वहां कोई समझौता नहीं। तो ये 1000 दिन कैद के हैं, 1000 दिन रेजिस्टेंस के भी हैं, 1000 दिन होप के भी हैं, और ये होप डिस्पेयर के खिलाफ है। ये होप उस वक्त में है जिस वक्त मुझे नहीं पता कि यहां बोली गई मेरी बात
शाम में किस चैनल पर कैसे चलाई जा रही होगी। इसलिए मैं आजकल आता हूँ, सबसे पहले आप ही लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप लोग नहीं है, मैं जानता हूँ, वो वाले कुछ अलग तरह के ही होते हैं जो एक लाइन ढूंढ करके शाम को मेरा बैनर लगवा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने सॉलिडारिटी का दायरा बढ़ाना होगा। झारखंड के ट्राइबल, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल या भीमा कोरेगांव का जिक्र किया, भीमा कोरेगांव की लड़ाई को मुझको कहना होगा तो एक लाइन में कहूंगा, ये स्मृति की लड़ाई है, मेमोरी, इट्स अ फाइट ओवर मेमोरी। व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी यू अकॉर्ड वैल्यू टू एंड व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी यू थिंक डजंट मैटर टू यू। एक डोमिनेंट मेमोरी वो नैरेटिव बन जाती है और जो वंचित समूह है उनकी मेमोरी हाशिए पे रख दी जाती है। ये लड़ाई उनकी भी, ये लड़ाई तमाम उन लोगों की है। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल, मैं अक्सर मैंने ये बात कही है, पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे ये लड़ाई मत छोड़िए। इट इज टू प्रीशियस, टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट ओनली टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने में अंगणित लगाती है, लेकिन आपके पास खुला आसमान है मानव विज्ञान का, रसायन का, राजनीति का, समाज का। आप उस रसायन, उस मनोविज्ञान पे काम करिए और बारह इस रेसिस्टेंस को खत्म मत होने दीजिए। आई थिंक अगर उम्र तक उड़ती उड़ती भी खबर पहुंची होगी ना, तो उसको अपनी रिहाई से जाना इस बात की खुशी होगी कि सिविल लिबर्टीज के मसले पे, ह्यूमन राइट के मसले पे, लोकतंत्र में असहमति का क्या बुलंद तेवर हो उसके मसले पे एक गर्मी की दोपहरी में अगर इतने सारे लोग आए कि रूम बदलना पड़ा, तो शायद मैं समझता हूँ उसको तत्काल रिहाई से ज्यादा इस बात की खुशी होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।